जहां एक तरफ देश भर में लोकसभा चुनाव शुरू हुए हैं, तो वही पार्टियों ने अपना अपना दमखल दिखाना शुरू कर दिया है। प्रधानमंत्री मोदी लगातार जीत के लिए लोगों के बीच जाकर रैलियां कर रहे थे, तो इंडिया गठबंधन भी पीछे नहीं रहा। बल्कि राहुल गांधी ने तो यहां तक कह दिया था कि मैं लिख कर देता हूं कि इस बार मोदी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। इसी बीच ज्योतिष शास्त्रियों ने भी अपनी अपनी भविष्यवाणी बतानी शुरू कर दी थी, जिसमें लोकसभा चुनाव के छठे चरण के बीच हमारी टीम ने राजधानी दिल्ली के राजौरी गार्डन स्थित बुगु सदन के पंडित निखिल शर्मा द्वारा की गई भविष्यवाणी पर बात की, तो उन्होंने बताया था कि जो सनातन को लेकर चलेगा उसी की जीत होगी। उनका सीधा सीधा मतलब है कि हिंदू विरोधी सरकारें अब देश में नहीं चल सकती है और भाजपा ही एक ऐसी पार्टी है जो हिंदुओं की सबसे बड़ी हितैषी है। आपको बता दें कि पंडित निखिल शर्मा कई वर्षों से लोगों की समस्याओं का पर्चा खोलते हैं। वहीं हमने देखा कि पंडित निखिल शर्मा के सदन में दूर दूर से कई भक्त अपनी समस्याओं को लेकर आते हैं और उनका उचित निवारण पंडित निखिल शर्मा करते हैं, जिससे लोगों को लाभ प्राप्त होता है। मीडिया के सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तीसरी बार पीएम की शपथ लेने की भविष्यवाणी करने वाले पंडित निखिल शर्मा से जब हमारे संवाददाता ने सवाल किया कि विपक्ष यानी इंडिया गठबंधन का क्या होगा, तो उन्होंने कहा कि जो लोग श्रीराम की प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जा सकते उनका कैसे भला हो सकता है। पंडित निखिल शर्मा की भविष्यवाणी सटीक हुई तो हमारी टीम पंडित निखिल शर्मा के भृगु सदन पहुंची, जहां पंडित निखिल शर्मा वर्षों से दरबार लगाते आ रहे हैं और लोगों की समस्याओं को दूर करते आ रहे हैं। हमारे संवाददाता ने जब पंडित निखिल शर्मा से सवाल किया तो उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि हमारी कोई भी भविष्यवाणी कभी गलत नहीं हुई है। हमारे इस सदन में जितने भी भक्त अपनी समस्या को लेकर आते हैं कभी खाली नहीं जाते हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमारे सदन में कभी नहीं आए, लेकिन पता नहीं मुझे एक रात अचानक से लगा और मैंने भविष्यवाणी कर दी। वहीं उन्होंने केंद्र सरकार यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर एक चौंकाने वाला भी बयान दे डाला है। उन्होंने कहा कि कुछ महीनों के बाद मोदी सरकार गड़बड़ा सकती है, कुछ नेता है जो गड़बड़ कर सकते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी सरकार को बचा देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने तीसरी बार शपथ ले ली है और आपने भविष्यवाणी की थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 400 पार का जो नारा था वो तो अलग है, लेकिन आपने कहा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही तीसरी बार पीएम की शपथ लेंगे, क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर? मोदी जी ने एक तो 70 साल से जो राम मंदिर के निर्माण के लिए उन्होंने योगदान दिया, योगदान तो और लोगों ने भी दिया, अटल जी ने भी दिया, औरों ने भी दिया, लेकिन जो पूर्ण कार्य जो पूरे दम कम से उन्होंने जो कार्य तो मंदिर के बारे में सोचा तो सबने है, हाँ। लेकिन अगर सही ढंग से कर्तव्य के साथ अगर किसी ने काम किया है तो मोदी जी ने किया, मोदी जी ने उसको सिरे पे चढ़ाया है, चाहे कोर्ट ने फैसला दिया है इसमें, लेकिन सिरे पे तो मोदी जी ही लेके आए हैं इसे। राम मंदिर का मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा था और 91 में उसमें कई लोग मरे भी हैं और उन्होंने धर्म को लेकर चले हैं और जो धर्म को लेकर और सनातन को लेकर और जो हमारे संस्कृति को लेकर चलेगा उसकी हमेशा विजय होगी, ऐसा मेरा ये कहना। सामने इतना बड़ा दल, तमाम गठबंधन हुआ, तमाम दलों ने एकजुट होकर प्रधानमंत्री मोदी यानी कि एनडीए यानी कि भाजपा को हराने की सोची थी, लेकिन सोचा नहीं था कि तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ लेंगे। आपकी जो भविष्यवाणी थी वो कहीं ना कहीं धरातल पर खड़ी उतरी, उसको लेकर क्या कुछ है, क्या सोच के आपने बोला था कि भाई मोदी ही तीसरी बार पीएम बने? मेरे को पता नहीं, अंदर से ही महाराज जी की कृपा होगी, गुरु महाराज जी का मैं ग्रंथ ये पढ़ता हूँ, तो मैं ऐसी पूजा पे बैठा हुआ था और उस दिन बाई चांस अगले दिन आपका आना हो गया और उस समय छठा चरण चल ही रहा था और मेरे मन में आपने पूछा कि कितनी सीटें आएंगी, कि 300-400 पार होगा या नहीं, लेकिन मैंने आपसे यही कहा था कि 300-400 मेरे को नहीं पता, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी बनेंगे, जैसे कि नेहरू जी बने थे तीसरी बार, ऐसे ही ये तीसरी बार बनेंगे और इतिहास में इन्होंने नाम लिख दिया अपना, नेहरू जी के बाद तीसरे बार जो प्रधानमंत्री बने हैं वो मोदी जी। ठीक, एक सवाल और छोटा सा कि भाई क्या लगता है, ये कयास लगाए जा रहे हैं, आरोप लगाए जा रहे हैं कि भाई प्रधानमंत्री मोदी 6 महीने तक भी सरकार नहीं चला पाएंगे, आपको क्या लगता है, क्या कोई समस्या होगी सरकार चलाने में? ये थोड़ा उथल पुथल होगा लेकिन इतना नहीं होगा, लेकिन 6 महीने से तो फालतू ये सरकार चला पाएंगे, इस चीज़ से बेचैन रहे, लेकिन इनको मैं दोबारा ये कहूँगा कि सनातन धर्म और हिंदुत्व पे अगर ये चलेंगे तो 5 साल जरूर चलेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो हमारे साथ भृगु सदन के पंडित निखिल शर्मा जी थे, उन्होंने छठे चरण में जब चुनाव चल रहा था तो छठे चरण में उन्होंने एक भविष्यवाणी की थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
क्योंकि वो हिंदुत्व के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, हिंदुत्व के बारे में सोचते हैं, तो तीसरी बार पीएम की शपथ जरूर लेंगे। और वो आज कहीं ना कहीं फाइनल हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 जून को शपथ ली है और तमाम मंत्रिमंडल को भी पद मिला है, उन्होंने भी शपथ ली है। कैमरामैन दुर्गेश झा के साथ ब्रजेश कुमार देवी।